दूसरा सैमुएल आठवां बाब। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को मारा और उनको मगलूब किया, और दाऊद ने दारुल हुकूमत के एनान फिलिस्तियों के हाथ से छीन ली, और उसने मुआब को मारा और उनको जमीन पर लेटाकर रस्सी से नापा, सो उसने कत्ल करने के लिए दो रस्सियों से नापा और जीता छोड़ने के लिए एक पूरी रस्सी से। यूं मुआबी दाऊद के खादम बनकर हदये लाने लगे, और दाऊद ने जुआबा के बादशाह रुहोब के बेटे हदु अजर को भी, जब वो अपनी दरियाए फरात पर की सल्तनत पर फिर कब्जा करने को जा रहा था, मार लिया। और दाऊद ने उसके 1,700 सवार और 20,000 प्यादे पकड़ लिए, और दाऊद ने रथों के सब घोड़ों की खोंचियां काटी, पर उनमें से 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी जुआबा के बादशाह हदद अजर की कुमक को आए, तो दाऊद ने अरामियों के 22,000 आदमी कत्ल किए। तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों की चौकियां बिठाई, सो अरामी भी दाऊद के खादिम बनकर हदिये लाने लगे, और खुदावन ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने हदोद अजर के मुलाजिमों की सोने की ढालें छीन ली और उनको यरूशलम में ले आया, और दाऊद बादशाह बता और बेरोती से, जो हदोद अजर के शहर थे, बहुत सा पीतल ले आया। और जब हमात के बादशाह तोगी ने सुना कि दाऊद ने हदद अजर का सारा लश्कर मार लिया, तो तौगी ने अपने बेटे योराम को दाऊद बादशाह के पास भेजा कि उसे सलाम कहे और मुबारकबाद दे, इसलिए कि उसने हदद अजर से जंग करके उसे मार लिया, क्योंकि हदद अजर तौगी से लड़ा करता था। और योराम चांदी और सोने और पीतल के जरूफ अपने साथ लाया, और दाऊद बादशाह ने उनको खुदावन के लिए मखसूस किया। ऐसे ही उसने उन सब कौमों के सोने चांदी को मखसूस किया जिनको उसने मगलूब किया था, यानी अरामियों और मुआबियों और बनी अमून और फलिस्तियों और अमालीकियों के सोने चांदी और जुआबा के बादशाह रोहोब के बेटे हदुद अजर की लूट को। और दाऊद का बड़ा नाम हुआ जब वो नमक की वादी में अरामियों के 18,000 आदमी मारकर लौटा, और उसने अदोम में चौकियां बिठाईं, बल्कि सारे अदोम में चौकियां बिठाईं, और सब अदोमी दाऊद के खादिम बने, और खुदावन ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने कुल इसराइल पर सल्तनत की, और दाऊद अपनी सब रैयत के साथ अदलो इंसाफ करता था, और जोराया का बेटा युआब लश्कर का सरदार था, और अखीलोद का बेटा यहूसफ्त मुअर्रख था, और अखीतोब का बेटा सदूक, और अबियातिर का बेटा अखीमलिक काहिन थे, और शराया मुंशी था, और यदुआ का बेटा बनाया करेतियों और फलिस्तियों का सरदार था, और दाऊद के बेटे काहिन थे।